यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। इस बार बेटियों ने हैट्रिक लगाई है। वहीं उत्तराखंड के लिहाज से आज रिजल्ट बेहद महत्वपूर्ण रहा। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुरेश जोशी की बेटी दिशा जोशी ने 19वीं रैंक हासिल कर उत्तराखंड का मान बढ़ाया है। परिणाम घोषित होने के बाद ही घर में जश्न का माहौल है। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेरणा सोर्स तो घर पे पेरेंट्स ही थे, माय फादर, पापा की वजह से। शुरू से उन्होंने बताया था बचपन में कि सिविल सर्विसेज एक करियर अच्छा ऑप्शन है, बट बीच में थोड़ा सा ये था कि एक सेफ ऑप्शन और प्लस थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छे थे तो मेडिकल की तरफ इंक्लिनेशन हुआ, तो MBBS कंप्लीट किया। फिर जब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इशूज़ लगे इंटर्नशिप के टाइम पे, जब मैं गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज में थी, तो वहाँ से फिर लगा कि सिविल सर्विसेज की तरफ दोबारा से एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और वही टाइम था कि फिर प्रेपरेशन स्टार्ट करी, तो ये थर्ड अटेम्प्ट था। और प्रेपरेशन मोस्टली मैंने खुद से ही करी है, और एक मेंटर थे जो मुझे गाइड कर रहे थे दिल्ली में, अनुपम जैन नाम है उनका, तो उन्हीं ने गाइड किया। एकेडमिकली सारा सपोर्ट उनका था, अदरवाइज़ बाकी घर से मम्मी पापा का, मेरे भाई रजत का, तो इन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है थ्रू आउट द प्रेपरेशन। वहीं पिता सुरेश जोशी भी बेटी की सफलता से गदगद नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया है कि दिशा बचपन से ही होनहार रही है। देखिए, बेहद जब इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं तो सभी को खुशी होती है, मेरी बेटी जरूर है, लेकिन आज के दिन वो पिथौरागढ़ की और उत्तराखंड की बेटी है, क्योंकि उसने जो मुकाम हासिल किया है, बेहद जितनी खुशी मुझे होगी उतने उत्तराखंड और पिथौरागढ़ के लोगों को भी उतनी खुशी होगी, क्योंकि एक बच्ची ने जो है इस मुकाम को हासिल किया है। और निश्चित तौर पर मैं उसको शुभकामनाएं भी देता हूँ और आशा भी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मेरे साथ वो पली बड़ी हुई है, मेरी बेटी है, तो मुझे लगता है कि भाई जिस उद्देश्य के लिए उसने इस पढ़ाई की तैयारी की है, निश्चित तौर पर एक सेवा के रूप में वो पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाएगी, और इसके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं उसको, बहुत बहुत बधाई भी। बता दें कि देश की सर्वोच्च सेवा IAS का आज परिणाम आया है। UPSC में 19वीं रैंक के साथ सफल दीक्षा के इंटर तक की पढ़ाई पिथौरागढ़ के मल्लिकार्जुन स्कूल से हुई और उच्च शिक्षा उन्होंने देहरादून से ग्रहण की है। वर्तमान में MBBS की पढ़ाई कर रही दीक्षा ने अपने पहले प्रयास में सफलता हासिल की है। दीक्षा को बधाई देने के लिए लोग लगातार उनके घर पहुंच रहे हैं। पंजाब केसरी TV के लिए पिथौरागढ़ से यशवंत मेहर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।